वैसे आज के इस प्रोग्राम में हम एक और इंतहाई अहम इशू डिस्कस करेंगे, वो है साइबर बिल के हवाले से। और साइबर बिल जब से पेश किया गया, सेनेट ने अपनी अमेंडमेंट दी, नेशनल असेंबली में पहले पेश हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट करके अब दोबारा कौमी असेंबली में आ चुका है। लेकिन बुनियादी नुकता क्या है? बुनियादी नुकता ये है कि ये बिल अनुषा रहमान साहिबा ने जब पेश किया और उस पर डिबेट्स जो है वो स्टार्ट हुई, तो आम बंदे ने सवाल उठाया है इस पर, आईटी इंडस्ट्री ने, सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई है कि ये इजहार राय को दबा रहा है और जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये उसकी नफी भी करता है। तो प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्योंकि आज हम देखें तो सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कह दें, आप किसी के खिलाफ भी कोई भी तस्वीर उठा के लगा दें, अपना कमेंट शेयर कर दें, और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी मुल्क में हो रही हैं, तो बहुत सारी ऐसा मवाद, ऐसी वीडियो शेयर की जाती हैं जिसकी वजह से इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी होता है। तो एक तरफ तो हमें इस इशू को भी एड्रेस करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन और मोबाइल फोन्स और इस तरह की तमाम जो एक्टिविटीज जो स्टार्ट हुई हैं उसकी वजह से जो दहशतगर्दी है वो भी एक तरफ बढ़ी है। लेकिन अब बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए कि एक तरफ हमने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकना है, साइबर टेररिज्म को रोकना है, और दूसरी तरफ जो फंडामेंटल राइट्स हैं आम शहरी के उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या ये साइबर बिल आम शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको तहफ्फुज़ फराहम करता है? क्या ये साइबर बिल जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल है कि जिसमें साइबर टेररिज्म और जो फॉर्जरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है वो भी, और आम बंदे के फंडामेंटल राइट्स, ये कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल है या नहीं? और सिविल सोसाइटी और इसके साथ साथ जो आईटी इंडस्ट्री है उनके तहफ़ुज़ात को भी एड्रेस करता है? यानी ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, क्योंकि इस बिल की हम कुछ अगर शिक्के देखें तो उसमें ये है कि अगर आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी का डेटा शेयर कर दिया, किसी का ईमेल शेयर कर दिया, तो उस पर जो है वो 3 माह की कैद, 50,000 जुर्माना है। अगर आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एक्सेस दे देते हैं, एक्सेस हासिल करते हैं उसके डेटा का, तो उस हवाले से भी बहुत सारी ख़तरनाक सज़ाएं हैं। और उसके साथ साथ जो साइबर टेररिज्म है कि दहशतगर्दी के साथ अगर आप मुंसलिक करते हैं उस तमाम मवाद को जिसमें धमकी या नुकसान या खौफ या 5 करोड़ जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें इस हवाले से बहुत सारे तहफ़ुज़ात आ रहे हैं, और ये भी बात की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से कि आप सियासी तनकीद नहीं कर सकते कि इजहार राय को दबा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ANP जनाब शाही सैयद साहब, आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन IT। शाही सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तहफ़ुज़ात आए हैं साइबर बिल जब से सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया गया। सर इसको सबसे पहले बताइए कि ये बिल जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आम शहरी के, इजहार राय के, ये उसको दबाता है या नहीं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये समझे, जब ये बिल कौमी असम्बली से पास होकर के आया तो उसमें लोगों के बहुत ज्यादा तहफ़ुज़ात थे, और उन्होंने सेनेट में आके हमारे सेनेट चेयरमैन से भी रब्ता किया, हमसे भी लोग रब्ता कर रहे थे। जब सेनेट में पेश हुआ तो सेनेट चेयरमैन ने ये कमेटी को भेजा। जाहिर बात है कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि वो काला कानून कह रहे या कुछ भी कह रहे। हमने कोशिश की कि वर्ल्ड कानून तो सिर्फ अल्लाह का ही है, बाकी कानून में तो वो कुछ ना कुछ गलतियाँ खामियाँ होती है, और कानून बदलते रहते हैं, वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट करने पड़ते। जितना हम जो सर हमने अगर इसको रिजेक्ट करते, इसमें यह खराब है और रिजेक्ट करते, तो वो लोग को भी समझ लीजिए एजेंट पास करते, तो फिर तो आप इसको काला कानून कह सकते हो। हमने इसमें पूरी रमजान महीने में जो 2-2.5 महीने लगाए, और हमने इसमें सिविल सोसाइटी जो पिटिशनर थे, जो NGOs वाले थे, या जो भी लोग इसमें कुछ किया करना को तहफ़ुज़ात थे, तो हमने उसको सुना, उनसे लिख के भी लिया कि आप अपने अभी तजावीज़ दे दें, और वो तजावीज़ हमने शामिल किए जितना भी हो सका। अब अगर एक बंदा बोला कि नहीं हमें फादर फादर आज़ादी चाहिए, इसका उनकी तो हमारे मुल्क को जरूरत है। आपने देखा कि ABS का वाक़ा हुआ है, यहाँ पर कई लोगों ने खुदकशियाँ की, अच्छे खानदान के बच्चे बच्चियाँ तबाह बर्बाद हो गए। अब जाहिर बात है कि किसी चीज़ पर अगर आप इसको फ्रीडम कहते हो कि लोग जो इज्जत है वो छालो, लोगों को ब्लैकमेल करो, लोगों से नहीं। शाही सैयद साहब, मादर पितर आज़ादी कोई नहीं मांग रहा सर, मादर पितर आज़ादी कोई नहीं मांग रहा। बात सर ये है कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर अगर कोई सियासी तनकीद नहीं कर सकता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर सकता, और मुझे आप बोलने की इजाजत दे दो, मैं कर दूंगा ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें।
मैंने आपको बोला कि मदर फादर अगर कोई चाहता है, तुम बोला वो नहीं चाहता, तो नहीं चाहता तो लड़ाई खत्म हो गई। अगर कोई चाहता है, अगर कोई वो नहीं चाहता, तो हमने जितने भी आपके इंसानी हकों में हो रहा था सेफ गार्ड लगाना हमने लगाए। जितने आप बोलते हो कि अगर किसी बंदे पे कंप्लेन आ जाए तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जाकर उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, वो बंदा कंप्लेन करेगा, इन्वेस्टिगेशन अभी से जाएगा कोर्ट में से, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कहे काबिल कबूल कंप्लेन है या नहीं है। अगर जैसे क्रिटिकल है, हर आदमी का जो डेटा है वो क्रिटिकल है, लेकिन हम उस व्यक्ति को डिजाइन करने के लिए कि भाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये क्रिटिकल है या नहीं है। हमने तकरीबन 50 तरावीम इसमें दिए, सबसे पहले तो मैं सेवन जारी है जिन लोगों का बजाते हैं जो मौजूदा बिल सेनेट में अमेंडमेंट साबित करके दे दिया तो वो उसको पढ़ ले। सर ये बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है सर, अगर आप कतई कलामी की इजाजत दें तो हमारे पास ये मौका फिर भी है जी, हमारे कमेटी में हम उसका जो दिया हुआ चीज तजावीज होगा हम अपने कमेटी में रखे, आप दोबारा अमेंडमेंट दे देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात कि अब ये बिल जाएगा वापस कौमी असेंबली में और कौमी असेंबली में दोबारा इसको जब देखेगा तो आपके पास फिर चांस बन गया उन लोगों के पास, अगर किसी के तबादला है तो वहां पहुंचा के दे रहे वो भी उनको शामिल कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इतनी परेशानी ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे लोगों को ट्रस्ट और भरोसा नहीं है, झूठे कैसे करती है बाहर करते हैं, ऐसा तो सियासतदानों के ऊपर बेन स्टोरी का भी केस बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। लिहाजा ये अगर हमारे जो तफजात है डर है वो अपने जगह पे, लेकिन जितना हमसे हो सका इंसानी अकल में हमने उसमें अमेंडमेंट करके दे दिया, वो बिल देख रहे और मजीद भी अगर किसी को तफजात है तो हमारे स्टैंडिंग कमेटी जो आई टी है उसको दे दे अपने तफजात, हम दोबारा उसको दे कर सर सवाल की इजाजत दें। सर सवाल की इजाजत दें, ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट चैप्टर 2 की शिक 3 है, अगर मैं ये सादा सी शिक आपके सामने रखूं, इनफैक्ट 3, 4, 5, 6 और 7, 8 ये सारी शिकें जो हैं ये मेंशन करती हैं कि अगर आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ बगैर इजाजत अगर डेटा का एक्सेस लिया, उसे ट्रांसमिट कर दिया और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप पर 3 माह कैद, 50,000 जुर्माना, या आप पर 6 माह कैद, 1,00,000 जुर्माना, या 2 साल की कैद और 5,00,000 जुर्माना होगा। सर मेरा सवाल, सादा सा सवाल, डिसऑनेस्ट इंटेंशन का फैसला कौन करेगा कि मेरी जो नीयत थी वो खराब थी, अगर मैंने किसी का सिस्टम यूज किया, लैपटॉप यूज किया या मोबाइल फोन यूज किया अच्छी नीयत के साथ लेकिन डेटा शेयर कर दिया, तो ये कानून तो ये कहता है कि जी मेरी तो नीयत खराब थी, तो सर ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला अदालत करेगा, और जो बंदा कंप्लेन करेगा कि मेरे से चोरी हुआ, मेरा डेटा से कर दिया और मतलब डिसऑनेस्टी भी किया हुआ है, तो वो बंदा खुद प्रूव करेगा, साबित करेगा कि कैसे किया, वो साबित कर दो। नहीं तो सर ये ग्रे एरिया है ना, सर ये ग्रे एरिया है, इसको डिफाइन करने की जरूरत है। भाई साहब आप इसके लिए कोई लफ्ज ढूंढो, आप मुझे बता दो तजावीज, यही तो हम तजावीज आपसे मांगते हैं ना कि आप क्या चाह रहे हो, क्या लिख दे उसको, उधर क्या डिफाइन करें, वो लफ्ज बताओ ना। खाली इतराज करना है आप, एक यानी 100 पेजों का एक किताब दे करके और मुझे अमरीका और या बर्तानिया की स्टोरी सुनाना, ये मसले का हल नहीं है। मसले का ये हल है कि क्लास नंबर 200 उसमें ये जो लफ्ज है इसको डिलीट होना चाहिए, या इस लफ्ज के बजाय ये लफ्ज होना चाहिए ऐसा, ताकि हमारे को सेफ गार्ड लग जाए, वो होता है असल तजावीज। यहाँ लोग तकलीफ तो सब कर लेते हैं, इतराज सब कर लेते हैं, लेकिन जब उससे आप बोलो कि भाई मुझे वो चीज बताओ कि मैं इस लफ्ज को आप जैसा पब्लिक गुड है, अब पब्लिक गुड को डिफाइन करना है वो हमारे आईन में जो PTC है उसमें है, लिहाजा आप उसको और क्या डिफाइन करना चाहते हो, मुझे वो लफ्ज बता दो, स्पेलिंग के साथ बताओ ताकि स्पेलिंग भी बताए, आपको भी पता है हमें भी पता है कि रियासत के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैरास भी करते हैं, जहाँ ग्रे एरिया होता है कानून में भाम होता है वो उसका फायदा भी उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका फायदा उठाती है। इसी तरह आप देख लें हमारी हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 12-13 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है, मेजोरिटी जो है वो उनके पास तालीम नहीं है, तो पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, उसको मिस यूज भी कर सकती है अपने मफादात के लिए, तो कानून में इबाम से छोड़ते क्यों हैं आप? मैंने आपको फिर बताया कि देखो वाइल्ड कानून तो सिर्फ खुदा का है, ये इंसानों के बने हुए कानून है, इसमें खामियां कमजोरियां होगी, आप कोई अच्छी तजावीज दे सकते हो तो बिस्मिल्लाह अभी भी दे सकते हो, कौमी असेंबली में भी दे सकते हो, लेकिन कानून वक्त की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, हमारी मजहब की जरूरत है, जो लोगों की इज्जतें लताड़ रही है, जो लोगों को तस्वीरें भेज करके ब्लैकमेल कर रहे हैं, इन चीजों के लिए कोई लगाम भी चाहिए था, लिहाजा मैं समझता हूँ ये अच्छा काम हुआ है, खुशहाल काम हुआ है, आप इसमें विशेष करें
अगर इसमें कोई कमी है तो आप जो सेंटर से पास हुआ वहाँ मिले उसको स्टडी करें और आप तजावीज दे, हम उसको कोशिश करेंगे उस अपॉइंटमेंट में फिर वो भी ले आएंगे ताकि बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है सर, हम ये नहीं कह रहे सर, मेरी जाती राय है ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट, साइबर टेररिज्म के खिलाफ कानून तगड़े होने चाहिए, पूरी दुनिया ने कानून बनाए, लेकिन सर वो कानून ऐसा तो ना होना कि मैं अगर सियासी तनकीद करना चाहता हूँ किसी भी सियासी जमात के खिलाफ सोशल मीडिया पर तो मुझे पकड़ लिया जाए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के इदारे मुझे पकड़ लें, इजहार राय जो है वो मैं कर नहीं सकता, तो ऐसा कानून तो सर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अगर आपके पास कुछ सबूत है, कोई मवाद है तो कोई कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं और लोगों की इज्जत लताड़ोगे तो आपको पकड़ना चाहिए मेरे ख्याल में। तो सर सबूत का फैसला तो अदालतें करेंगी ना कि वो वाकई वो सबूत है या नहीं। मैंने तो एक इंफॉर्मेशन मीडिया से ली, अखबार से ली, टीवी से ली, मैंने उसकी बुनियाद पर अपना कॉमेंट शेयर कर दिया एक खास सियासी जमात के खिलाफ, तो उस पर तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे कहेंगे जी आपने सबूत दें। अब मैं कोई कोई इदारा तो नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं हूँ कि मैं सबूत को टैली करूंगा, उससे बेहतर तौर पर इन्वेस्टिगेट करूंगा कि वाकई ये है या नहीं। आप ये चाहते हो, आप ये दूसरे लफ्ज में आप ये चाहते हो कि बगैर सबूत वाले खबरें भी आप बांटते जाओ, लोगों की इज्जत पे उछालते रहो और सबूत नहीं है वो खुद जाके ढूंढ ले, ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मेरे ख्याल में हम कुछ ये करते हैं कि उसमें यही लिख दें कि कोई किसी का इज्जत उछाले, लताड़े, किसी को ब्लैकमेल करे, वो करे, क्योंकि ये फ्रीडम है, इंसानी आजादी है, वो आजाद है, वो कुछ भी करे वो तो आजाद है। तो सर आपको नहीं लगता कि जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए इस पे? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए इस पे, हाँ होना चाहिए। सर हम ये चाहते हैं कि इस ये बिल के तमाम तहफुजात आप एड्रेस कर दें, फिर कानून बनाएं, उसको नाफिजुल अमल करें और दबा के करें। आप मैं बोलता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए टाइम बता गए तो गाड़ी भेजे या बोले मैं आ जाऊंगा, पूरा इंटरव्यू इस पे रख दे, मुझे सवाल नहीं है। ठीक है सर, देना चाहता हूँ लोगों को, ये आवाज पहुंच जाए, कोई ऐसी बात नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हुकूमतें हैं उनको बहुत जल्दी होती है असेंबली या सेनेट से तमाम कानून पास करने की, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आम बंदा है जो इससे मुतासर हो रहा है, उसको एजुकेट कौन करेगा, उसको अवेयरनेस कौन देगा, ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, क्योंकि अगले 5 वर्षों में, अगले 7 से 8 वर्षों में तकरीबन पाकिस्तान के हर शहरी के पास मोबाइल फ़ोन होगा, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस साइबर बिल से मुतासर हो सकता है। तो हमारा बुनियादी नुक्ता ये है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि ये तो एंटायर पीपल है, ये तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा आईन देता है कि आप इजहार राय कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, आर्टिकल 19 कहता है कि जी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, लेकिन इस साइबर बिल में अगर आपने बगैर सबूत अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया तो आपको धर लिया जाएगा। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसके अलावा जो नेशनल असेंबली में जो अमेंडमेंट्स की गई उसके वाले से हम बात करेंगे और तजी। वेलकम बैक व्यूअर्स, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे साइबर बिल के हवाले से, हमारे साथ सेनेटर एएनपी शाही सैयद भी मौजूद थे जो कि हेड कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी आईटी इन सेनेट, और उनका नुक्ता नज़र भी हमने जाना, एंड ही वाज सेइंग कि हम मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ सकते सोशल मीडिया को, कि वो सबकी जो इज्जतें हैं उसको उछालता रहे, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम ओपन है कि अभी भी जो सिफारशात हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। बहरहाल इम्पॉर्टेंट इशू है कि पूरी दुनिया में जो साइबर टेररिज्म जो फैल रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो अनरेगुलेटेड है, उसको रेगुलेट डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एक बेहतर तवाजुन लॉ के तहत। किस हद तक ये कॉम्प्रिहेंसिव बिल है, उसके साथ साथ ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या नहीं, और देखते हैं कि शुक्रिया से अपने अभी आ जाए उस जी बिल्कुल करता है हमारे देखें जीतर अरबी सर के सुनाई मैं तो उस नहीं थी प्रोग्राम में को मादर पिदर आज़ाद की बात नहीं है, पगड़ियाँ उछालने की बात नहीं है। ये बात देखें एक तो इस बिल ने ये किया है कि टेररिज्म को क्राइम दूर किया और बहुत इसको खिचड़ी बना दिया। हमारे ख्याल से ये दो फर्क बिल होने चाहिए थे, नंबर वन। नंबर टू, जो एक आम आदमी की इजहार राय की बात है उसके ऊपर बहुत बड़ी कदगन क्लॉज नंबर 34 ने लगा दी है। क्लॉज नंबर 34 ये करता है कि जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में अल्फाज हैं है इस बिल के अंदर। अब जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होती है तो उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है अगर कोई केस उनके पास जाता है। जब आप उसको एक बिल के अंदर लिख देते हैं
और उसका इख्तियार आप किसी हुकूमती इदारे के हाथ में दे देते हैं तो आप जो अदालतें हैं उनका हक छीन रहे हैं, ठीक है? और अदालतें एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर हैं डेमोक्रेसी का, तो कोई गवर्नमेंट का इदारा कैसे डिसाइड कर सकता है? तो आप ये कह रही हैं गुल के कोई जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए इस पे? जाहिर है होनी चाहिए, बल्कि जुडिशियल ओवरसाइट के अलावा देखिए, अगर कोई हुकूमत का इदारा कहता है कि मैंने ये चीज ब्लॉक करनी है या उसका मुंह बंद करना है, तो उस इदारे को चाहिए पहले वो जाए कोर्ट के पास, कोर्ट से एजुकेशन ले कि आया ये ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ है, आया ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के खिलाफ है, आया ये ऑपर्चुनिटी के खिलाफ है, और अगर कोर्ट कहे तो हाँ फिर आप उसको करें। सिर्फ एक एक्सेप्शन होनी चाहिए मेरे अपने और इंटरनेशनल कवेनेंट के हिसाब से भी, ठीक है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे वो इदारा करे जहाँ पे इमिनेंट डेंजर टू लाइफ हो। अगर आप कौमी सलामती या नज़ीरे पाकिस्तान पर आप अपनी तशरीह रखते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो उसमें भी आपको धर लिया जाएगा क्योंकि इसमें इबहाम मौजूद है। तो आप उस डेफिनेशन पर जाएंगे जो रियासत कहती है। अगर मेरा व्यू एज डेमोक्रेटिक पर्सन या आपका व्यू डेमोक्रेटिक पर्सन नज़ीरे पाकिस्तान या कौमी सलामती पर डिफरेंट हो सकता है, तो इस पर तो ये बहुत बड़ी ये वेग इशू है और इस पर तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा और यही क्लॉज 34 के अंदर है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो तीसरा पिलर है रियासत का जो कि जुडिशरी है, आप उसको इसके फैसले में बैठने दें, क्योंकि हम सब जो है फर्क मौजूद रखते हैं, ठीक है ना। आज मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो कि पीटीए के अंदर बैठा हुआ एक मुलाजिम कह दे कि ये इस चीज के खिलाफ है और वो बंद कर दे या वो धर ले धरवा ले, तो ये आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन खत्म कर रहे हैं। वो नहीं, हर बंदे का एड्रेस को फिर छोड़ देना चाहिए कि हर बंदे का डिफरेंट व्यू हो सकता है, नारादारी रखना चाह रहा है कि नहीं, बात कभी नहीं लगानी चाहिए ना। जब डिस्कशन होती है, व्यू होता है, बहस होती है, उसी से मुल्क तरक्की करता है, कौमें तरक्की करती हैं, लोगों के मुंह बंद करके तो नहीं तरक्की करती ना। आइडियल बात तो वही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सिर्फ डका उससे लगाएं जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, जिससे दूसरे इंसानों की जानों को खतरा हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप अड़ गए हैं कि नहीं हमने कौमी सलामती दी और हर चीज, मतलब ब्लैसमी को ले लीजिए, बहुत सारे लोग ब्लैसमी नहीं करते, लोग बस उठाकर इल्जाम लगा देते हैं ना कि ये ब्लैसमी है, वो ब्लैसमी, तो ये कौन कौन इसकी तशरी कर रहा है? Absolutely. आप एक 17 जेज 16 जेज 18 जेज के अफसर को ये इख्तियार दे रहे हैं पीटीए में बैठा हुआ जो बैठ के बंद करता जाए, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गुल ये भी बताइए, आइडियली जी जी गुल ये भी बताइए कि अगर कौमी सलामती और नज़ीरे पाकिस्तान का जो इशू है जो इस कानून में इस हवाले से मेंशन भी किया गया है, तो ये साइबर स्पेस या साइबर टेररिज्म से इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, इसके अंदर जितनी टर्म्स है ना, चाहे आप कौमी सलामती कहें, चाहे आप नज़ीरे पाकिस्तान कहें, चाहे ब्लास्फेमी कहें, चाहे डीसीसी मोरालिटी, ये जब वो सारी टर्म्स आप मिलाते हैं ना, तो मैं अगर ये भी कह दूं कि इस वक्त बाहर मौसम बहुत अच्छा है, तो वो किसी ना किसी जुमरे में ला के उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि कितनी है, ठीक है? या मौसम बहुत खराब है, या पोल्यूशन बहुत हो गई है, या कुछ कि आपने तो स्टेट के खिलाफ बात कर दी, या आपने ये कर दी, ठीक है। बेसिकली इट इज अ ब्लैंकेट पावर अथॉरिटी टू बी एबल टू सेंसर एनीथिंग। फाइन फाइन, तो ये गुल, ये इसके अलावा तीसरा आम इशू ये भी है कि आप सियासी तौर पर तंकीद नहीं कर सकते। एज वोटर, एज टैक्स पेयर, मेरी राय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके लीडर के हवाले से मुख्तलिफ हो सकती है, तो ऐसा क्यों है? अभी मैं शाही सैयद साहब से भी यही बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि जी आप अगर तंकीद कर रहे हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। तो मैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी नहीं हूँ, मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं तो वोटर हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम का, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का, तो मैं तंकीद क्यों नहीं कर सकता? आइन का आर्टिकल 19 कहता है, 19 कहता है कि इजहार राय है आपको, लेकिन यहाँ पर इजहार राय नहीं। एग्जैक्टली, इसीलिए इंटरनेशनली जो डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है, राइट? तो जिसमें तंकीद या इजहार राय को डेफिनेशन के जुमरे में ले जाया जाता है,
और जाहिर है बहुत सारी चीज़ों में आप प्रिंसिपली तनकीद करते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि एविडेंस लाके करें, राइट, प्रिंसिपल्स होते हैं, आप प्रिंसिपल्स के ऊपर आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ के ऊपर तनकीद करते हैं, उस पर कोई एविडेंस का सवाल ही नहीं है। आप बड़े अहम इश्यूज़ पर लिखती भी हैं नेशन में और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी हाईलाइट करती हैं, तो ये जो आइन के साथ मुतसादम है कुछ सिक्कें इस कानून की, आप समझती हैं, आप समझती हैं कि जब ये मामला किसी भी पाकिस्तानी ने, किसी भी शख्स ने कोर्ट में पेटिशन डाल दी इस तमाम शिकों के खिलाफ कि ये आइन से मुतसादम है, तो आप समझती हैं कि कोर्ट जो है वो इसके बारे में बहुत सख्ती से फैसला कर सकता है? देखिए वो तो आई थिंक इट्स नॉट माय प्लेस टू से कि कोर्ट क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, इट ऑल डिपेंड्स, लेकिन ये इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर ये इस शक्ल में पास हो गया तो सैकड़ों की तादाद में पिटीशन फाइल हो जाएंगी। पिटीशन फाइल होंगी, जाहिर है होंगी जी, जाहिर है होंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हर बंदा जानता है, अब उनके ऊपर क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है वो जाहिर है, आई कांट से। ठीक है, तो गुल ये बताएं टुवर्ड्स दी वेरी एंड, गुल टुवर्ड्स दी वेरी एंड, जिस तरह का हमारा सिस्टम है, हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ के इश्यूज हैं, एनर्जी क्राइसिस है, सिस्टम हमारा रेगुलेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सोशल मीडिया पर आज़ादी है, मैं कुछ भी कहूँ, तो अगले 5 वर्षों में तकरीबन हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन होगा, तो ये साइबर बिल अगर इम्प्लीमेंट होता है, अगर ये एक्ट बनता है, तो उससे हर शख्स मुतासर होगा, तो फिर अब फिर इसमें तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए मौजूदा सिस्टम में रहते हुए कि एक तरफ हेट स्पीच को भी एड्रेस करना है और दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है? देखिए ये तो अब इट विल प्ले आउट, लेट्स सी कि ये इनैक्ट होता है इस शक्ल में या नहीं होता है। अगर ये हो, आपको मालूम है पहले भी हमारी रियासत में यूट्यूब बंद की थी, याद है की थी ना, लेकिन कौन कौन शख्स था जो यूट्यूब नहीं देख रहा था, राइट? तो बिना वजह इस तरह की चीजें बनाना जो कि इनइफेक्टिव हैं, गलत हैं, विक्टिमाइज करने के लिए डिजाइन की गई हैं, वो नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है, ठीक है। गुल बुखारी बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम ये इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो साइबर बिल है ये सेनेट में गया, ये पहले कौमी असम्बली में गया, अमेंडमेंट के बाद जो है वो सेनेट से दोबारा अब असम्बली में आया है, और अब लेट्स सी कि असेंबली जो है वो इसको पास करती है या नहीं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मज़ीद सिफारशात, मज़ीद जो तहफ़ुज़ात हैं सिविल सोसाइटी के, मीडिया के, आईटी इंडस्ट्री के, उसको शामिल किया जाए ताकि ये कॉम्प्रिहेंसिव बिल हो सके, लेकिन फ़िलहाल जो इसमें शिक्के हैं वो आइन से भी मुतसादम कर रही हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट नहीं करती, सो एक ऐसा प्रोटेक्शन का मैकेनिज़म होना चाहिए ताकि ये ग्रे एरिया जो फ़िलहाल इस बिल में हमें नज़र आ रहा है, उस ग्रे एरिया का कोई मिसयूज़ ना कर सके, और हेट स्पीच डेफिनेटली उसको एड्रेस करना चाहिए, साइबर टेररिज्म डेफिनेटली उसको एड्रेस करना चाहिए, सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है उसको रेगुलेट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो इजहार राय है, जो आइन और कानून कहता है, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा है। हम देख रहे थे कि ये एक इंतहाई बर्निंग इशू हमारे सामने आया कि हुकूमत ने कहा कि वो जो टैक्सेस हैं वो मार्केट वैल्यू पर कलेक्ट करना चाहते हैं, और इसी हवाले से उसको फिनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया, कानून पास किया गया, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन है, रियल स्टेट मार्केट्स हैं, उनकी जानिब से शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया गया, और लास्ट वीक फाइनल कंसेंसस डेवलप हो चुका है हुकूमत और प्रॉपर्टी डीलर्स के दरमियान, और फिर सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस भी जारी किया, और उसके बाद अब ये कंसेंसस हुआ है कि एक साल का होल्डिंग पीरियड जब होगा और उसके अंदर जो भी खरीदो फरोख की जाएगी उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% और 2 से 3 साल के दरमियान कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे फ्लैट हो, घर हो, या आपके प्लॉट्स हों, वो अगर बेचे या ख़रीदे जाएंगे तो उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो 7.5% है, और 3 साल के बाद कोई भी टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाएगा। सो इसी तरह 3 साल पहले की जो प्रॉपर्टी है 2016 से पीछे अगर आप चले जाएं तो उस पर भी इसी तरह की जो ब्रैकेट्स हैं और इसी तरह के जो टैक्सेस हैं उसका निफास होगा। सो 2013 से 2019 की ये ब्रैकेट बनाई गई है, और ये 6 साल पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो डॉक्यूमेंटेड होंगी, और इसी तरह अब ये सिस्टम आगे चलेगा। सो फाइनली कंसेंसस हो चुका, और इस पर हम बात करेंगे
कि ये कितना पॉजिटिव है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है इकॉनमी के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। इसहाक डार साहब बहुत होपफुल हैं कि फिस्कल 17 के लिए मौजूदा दौर हुकूमत के इस चौथे साल में हुकूमत जो है वो 70 अरब रुपया इस फाइनल कंसेंसस के बाद जो हुकूमत और प्रॉपर्टी डीलर्स के दरमियान हुआ है उससे 70 अरब रुपया वो जनरेट करेगी और फ्यूचर में इससे कहीं ज़्यादा और पैसा वो जनरेट कर सकती है। इसके अलावा इसमें ये भी कंसेंसस किया गया है कि कोई भी शख्स वो घर बेचता है, ख़रीदता है, चाहे वो प्लॉट हो, कुछ भी हो, उसकी प्रॉपर्टी की कीमत अगर 40 लाख से नीचे है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, चाहे उसका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो। सो ये कितना पॉजिटिव है, वैल्यूएशन टेबल्स हमारे सामने आ चुके हैं और जिसमें अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कुछ बाकी हैं और मार्केट वैल्यू और डीसी रेट में अभी भी फ़र्क है, बावजूद इसके कि 200 से 300% का कुछ इजाफा भी हमें नज़र आया है डीसी रेट्स में। इसी वाले से हम बात करेंगे। जुबैर बेग साहब वेरी रिस्पेक्टेबल हमारे साथ मौजूद हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं डिफेंस क्लिफ्टन रियल स्टेट एसोसिएशन और उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि आया अब कराची के अंदर डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन की जो एसोसिएशन है वो किस हद तक अब पॉजिटिव है इस कंसेंसस के बाद जो हुकूमत और प्रॉपर्टी डीलर्स के दरमियान हुआ है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया मैं जॉइन कर रहा हूँ। सर आप खुश हैं, अब जो है वो काम आपका चलेगा ठीक है? आदिल भाई हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कि वक्त न्यूज़ ने टाइम निकाला और हमारा मौका भी जानने के लिए आए। आई एम थैंकफुल टू यू आदिल। बात यह है कि ये इसको इसको इग्नोर्ड एरिया था, ये पाकिस्तान का मोस्ट इग्नोरेबल इट वर्ल्ड वाइड। हमारी जो प्रॉपर्टी मार्केट होती है वो पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है, लेकिन पाकिस्तान में इग्नोर्ड साइट थी ये, बिल्कुल इस पर कोई टैक्सेबल नहीं था, गवर्नमेंट भी इस पर कोई स्टेप्स नहीं लेती थी, कोई टैक्सेबल मीन्स कोई मेकेनिज्म ही नहीं था। इस गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम हमें इंगेज किया, फर्स्ट टाइम हमें इसका स्टेक होल्डर बनाया और इस प्रॉपर्टी के इस पहली दफ़ा ये हमें फेडरल गवर्नमेंट ने एक टेबल बनाया। हाँ, क्योंकि ये रातों रात नहीं हो सकता था, इन्होंने ये कानून पास किया, फिर पास करने के बाद हमसे मीटिंग की। हमें सिर्फ यही गवर्नमेंट से गिला है कि ये हमें पहले स्टेक होल्डर बनाते और हमसे पहले ही ये होमवर्क कराते और इसको इसके मैकेनिज्म को तय करके नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट करते, ताकि लोग और हमारे क्लाइंट्स के भी एक मेंटली तौर पर वो तैयार हो जाते हैं कि भाई हमें ये टैक्स 2017 में लगना है। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट ने पता नहीं उजलत में बनाया है, पता नहीं बगैर मशवरे के बनाया, तो ये कानून एकदम नाफिज नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने हमसे मशवरे किए हम उनके ठीक है। दूसरी बात है सर, अब जुलाई 1, 2016 के बाद कोई भी घर फ्लैट प्रॉपर्टी बेची या खरीदी जाएगी उस पर इस पूरे सिस्टम के तहत टैक्सेस उस पर लगेंगे। होल्डिंग पीरियड 1 साल है, 10% कैपिटल गेन टैक्स देंगे, 2 और 3 के दरमियान है 7.5 है और इसी तरह ऑनवर्ड्स। तो सर आप मुझे ये बताएं जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव था हुकूमत का कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है सिस्टम की, उससे रेवेन्यू भी जनरेट करना है, तो आप समझते हैं कि हुकूमत अपने तमाम अहदाफ जो है वो बेहतर तौर पर हासिल करेगी? क्योंकि सर 2013 और 2019 के दरमियान ये जो 6 साल की ब्रैकेट है इसी के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगी वो डॉक्यूमेंट होंगी, तो 2013 से पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी गई या बेची गई तो वो तो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। उसकी क्यों नहीं सिस्टम का हिस्सा बनाई? क्योंकि ये जो रेंजर्स के कराची में एक्शन किया है जिसकी वजह से हम बनाए, उसके बाद ये मार्केट चली है, उससे पहले तो कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दौर में आप देख रहे हैं माजद के साथ बेग साहब, मुशर्रफ दौर में प्रॉपर्टी कैसे शूट अप की? मुशर्रफ दौर में प्रॉपर्टी 20 से 25 अरब डॉलर आया हमारे सिस्टम के अंदर और सारा रियल स्टेट स्टॉक मार्केट में, रियल स्टेट मार्केट में नहीं है, स्टॉक मार्केट में गया। स्टॉक मार्केट ने हाई अप्स दिखाए, हम लोगों की मार्केट उसे फ्लक्चुएट हुई, कोई महीना दो महीना स्टे किया फिर एकदम डाउन हो गई थी, फिर हमने एक लॉन्ग टर्म 5 ईयर डाउनवर्ड ट्रेंड देखा मार्केट का, फिर 2000 ये जैसी रेंजर्स ने एक्शन शुरू, उसके बाद से ये मार्केट स्टार्ट। सर मार्केट तो पहले से चढ़ी हुई है सर, मार्केट आप देखें मुशर्रफ दौर में जब स्टेबिलिटी थी, डॉलर भी सस्टेन कर रहा था, सियासी और माशी इस्तेकाम भी था, उस वक्त से प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ना शुरू हुई है और उसके बाद इट नेवर उसके बाद से ये रुकी नहीं है। नहीं, ये बात आपकी सही है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, हमारी एक जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट एज इंडस्ट्री ये उस वक्त से स्टार्ट हुई। ये 2000 ये जो कानून है 68 ये 2001 में इंप्लीमेंट हुआ था, उसके जब जैसे ही इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो ये एम्बार्केशन और फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहाँ से शुरू हो गया था। उसके बाद 5 साल का हमने स्लम देखा, इवन के जो वैल्यूएशन डीसी रेट था उससे भी नीचे मार्केट डिप हो गई थी। तो बात ये है कि ये बेसिकली ये रेंजर्स के एक्शन के बाद ये मार्केट ने। तो सर मुझे बताइए ये इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, जो बुनियादी नुकता है कि डीसी रेट जो है वो 50 लाख है,
मार्केट वैल्यू जो है वो फ्लैट का या किसी भी प्रॉपर्टी का 5 करोड़ है, तो वो बंदा जो इसको खरीद रहा है 5 करोड़ पर, वो टैक्स 5 करोड़ पर क्यों ना दे, वो टैक्स 50 लाख पर क्यों दे, क्यों दे? इसकी क्या इसकी जस्टिफिकेशन इसके कोर में जाना पड़ेगा। जब तक आप कोर नहीं समझेंगे कि गवर्नमेंट लॉज बनाती है पूरी दुनिया में उस मार्केट ट्रेंड के लिहाज से, अगर आप देखें दुबई में वो हर महीने एक चेक रखा हुआ उन्होंने, चेक एंड बैलेंस, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस था नहीं, अच्छा टैक्स रेट कम थे उसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हुई, जितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने इंडस्ट्री में जानी थी इधर जानी थी वो यहाँ डाइवर्ट हुई, प्लस जो पाकिस्तानी जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में थे उनका पैसा पाकिस्तान आना शुरू हो गया, क्यों, रीजन क्या है, उनको भी पाकिस्तान में वापस आना था। तो चेक एंड बैलेंस कैसे, चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ने अपने कानून से ना, गड़बड़े कानून, तो कानून तो आया था, कानून देखिए 2001 में इम्प्लीमेंट करी गवर्नमेंट और 6 महीने बाद उसको दोबारा उठा रही, इट मींस कि गवर्नमेंट वाज नॉट लॉयल, तो कानून अच्छा होगा तो तभी चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है गवर्नमेंट ने ये दुरुस्त फैसला नहीं किया कि पहले कानून का हिस्सा बनाया बाद में डेलीब्रेशन और आपसे मीटिंग की, ये बात सही है आपकी, लेकिन इसके अलावा इस इशू को आप साइड पे रख दें, कानून तो अच्छा था ना सर, देखिए मार्केट वैल्यू भी आप देखिए, बात ये है कि हम लोग तो खुद कानून का ख्याल रखने वाले लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने पहली मीटिंग में हारून अख्तर साहब से जो बात की थी कि हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स पहले भी दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देते, हमें जो गवर्नमेंट कहेगी इतना मिनिमम वैल्यू हम उस पर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हमें उसके बाद से मतलब 8 साल हो गए सिंह गवर्नमेंट ने टैक्स ही नहीं बढ़ाया, अब ओवर द नाइट जनाब रात को आप बम फाड़ते हैं जी इट इज ऑल वाइट, और आप सर जो रियल एस्टेट एजेंट है जनाब, एजेंट बायर और सेलर को मिलाता है, बिल्कुल मिलाते हैं, ठीक है कि जी आपका आप ये चीज खरीदना चाहते हैं हम फैसिलिटी देते हैं, बायर और सेलर को मिला दिया, उसने इधर से भी कमीशन लिया, उसने उधर से भी कमीशन लिया, ठीक है ऐसे ही है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ बेग साहब, क्योंकि आप बहुत अरसे से इस बिजनेस में हैं, तो इसमें क्या मुजायका है कि जो खरीदने वाला है वो भी कैपिटल गेन टैक्स दे और बेचने वाला भी दे और मार्केट वैल्यू उसकी वही हो जिस पर उसने खरीदा या बेचा, ठीक है, तो इसमें क्या मुजायका है? इसमें कोई मुजायका नहीं, इसमें मुजायका कोई नहीं, ये ओवर द नाइट नहीं हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बात तो हो गई ना हमारी, इसको ग्रेजुअली किया, जो हमारी पहली शर्त थी गवर्नमेंट के साथ कि जो पहले दिन हमने बात की थी कि इसको ग्रेजुअली ऑन ईयरली बेसिस इसको करें ताकि हम भी देखें फेयर मार्केट वैल्यू पे आए, अब हमने टेबल तश्कील दे दिया, गवर्नमेंट का एसआरओ आ गया, हमने इसको पॉजिटिवली ले लिया, हमारी मार्केट जो डिप 30% ऑलरेडी हो चुकी हुई है कि जिस दिन ये आया आज 30 डेज के अंदर आप जो अपने रेवेन्यूज चेक कर ले कि ये डिप सर रेवेन्यू तो मिलता ही नहीं था ना गवर्नमेंट को वैसे ही नहीं आप देखें 2% सीबीटी है वो भी डीसी रेट पे मिलता है वो क्यों तो सर रेवेन्यू तो पीनट्स हैं उसकी रीजन है ना देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ग्रेजुअली बढ़ाती रहती अब गवर्नमेंट को ख्याल आ गया कि जी अब हम ग्रेजुअली भी बढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर मार्च में हम दोबारा गवर्नमेंट ने बुला लिया मार्केट वैल्यू फिर दोबारा असेस होगी तो एवरी ईयर एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म आज गवर्नमेंट ने बनाया इसहाक डार और इसकी टीम को थैंक यू वेरी मच इन लोगों ने एक मैकेनिज्म तो बना दिया ना अब हम मेंटली तौर पे इन्वेस्टर को भी तैयार करेंगे सर मेरा ये नुकता है कि रियल एस्टेट एसोसिएशन पूरे मुल्क की जी बिल्कुल सिर्फ आप ही नहीं जी बिल्कुल वो क्यों इसमें रुकावट बन रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पर टैक्स नहीं होना चाहिए आप डीसी रेट 200% या 300% बढ़ा रहे हैं अभी भी जो टेबल अभी हम देख भी रहे थे आपके सामने पड़ा है डीसी रेट में और मार्केट वैल्यू में ठीक ठाक अभी भी डिफरेंस है ये आपकी नजर मैं अपनी नजर में इसको क्यों जब मार्केट एक जगह कभी स्टैंड नहीं करती मार्केट अगर गई है ऊपर आज कराची के हालात आप जरा से आप रेंजर्स देखें जो आप ये नहीं आए ना नोटिफिकेशन तो ये मार्केट उसकी वजह से डिप खा रही है और वो भी एक रीज़न है अगर ये सपोज अगर यहाँ से एक्शन और वही हमारे पुराने हालात हो जाए भत्ते वाले यहाँ पे कोई कराची में खरीदार नहीं था और ना होगा तो उस वक्त जनाब मार्केट वैल्यू आप फेयर मार्केट पे फिर खड़े रहेंगे आप वहाँ टैक्स देने वाले कोई नहीं होगा तो ये जितना पैसा है इस इंडस्ट्री सर मैं एक मिसाल बता दूं जनाब एक फ्लैट है लेट से आपकी आपके एरिया में क्लिफ्टन डिफेंस में उसकी मार्केट वैल्यू है 5 करोड़ लेकिन उसका डीसी रेट के तहत उसकी वैल्यू है 50 लाख बिल्कुल तो 50 लाख पर वो सीवीटी 2% 1% रजिस्ट्रेशन फीस और इसके अलावा दूसरे जो चार्जेस हैं वो देता है तो उसका टैक्स बनता है 2 लाख और लेकिन अगर वो मार्केट वैल्यू पर दे तो उसका टैक्स बनता है तकरीबन 20 लाख ठीक है तो 20 लाख अगर बायर और सेलर दोनों मिला के अगर टैक्स देते हैं उस पर कैपिटल गेन टैक्स देते हैं तो आपको इश्यू क्या है सर हमें कोई इश्यू नहीं है मैं कह रहा हूँ ना हम दे रहे हैं ये आपको किसने कह दिया कि हम एज पर गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं दे रहे क्या चीज गवर्नमेंट इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान से चार्जेस ले रही है कैश फ्लो पे भी ले रही है सब कुछ ले रही है अब डायरेक्ट टैक्स इन्होंने रियल स्टेट इंडस्ट्री पे लगाया है अब हम उस पर भी देने को तैयार है हमारी जो दो दो तीन चीज़ें थी वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की इसको ग्रेजुअली 3 साल में लगाया जाए उन्होंने 3 स्लैब्स बना दिए मैं 2019 तक
प्लस हमने कहा था कि जो पहले डील्स हो चुकी हुई हैं उनके लिए हमें कोई ना कोई मर्सी दी जाए, तो उन्होंने उस पर जना 5% हमें दिया कि छूट है, आप 5% टैक्स कर दें आपकी वो, ये इकॉनमी देखें, इकॉनमी ग्रीन की है सारी, तो ये ग्रीन तभी हुई है जब दोनों तरफ से हाथ मिलाया गया। नहीं वो ठीक है, मैं सर ये कह रहा हूँ कि जो मेजर इशू है इसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम का और डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी किसी हद तक एड्रेस होगा, मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। अगर पहले मार्केट वैल्यू अगर 5 करोड़ थी तो अब लेट से अगर 4.5 करोड़ है या 4.25 करोड़ है तो 25 लाख का फर्क पड़ जाएगा इसके तहत, बट ओवरऑल मुनाफा अभी भी 200-300% होगा डीसी रेट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो फर्क तो नहीं पड़ा। मैं आपकी बात सही, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है, फर्क हमें भी पड़ा है, फर्क गवर्नमेंट को भी पड़ा। इससे फायदा क्या, जो गवर्नमेंट को इस साल जनरेट, अगर ये आज ओवर दी नाइट करते तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाता। देखिए बेसिकली हमें ये पैसा भी तो बचा था, डरा दिया ना हमने, आपने गवर्नमेंट को डरा दिया कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, तो आप ये हमारी बात, गवर्नमेंट ऑलरेडी देखे यहाँ पे ये स्टेप लेके अपना स्टेप ले चुकी है वापस 2001 जब सलमान शाह साहब मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने 20 गवर्नमेंट ने स्टेप लिया फिर वापस लिया, इट मींस कि इट वाज अ रॉन्ग स्टेप फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अब हमने उनको यही रियलाइज कराया कि हम भी टैक्स देने को तैयार हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स प्लस अपने क्लाइंट्स को भी, हमें स्पेस चाहिए, हमें ब्रीदिंग स्पेस दें, हम ब्रीदिंग स्पेस, उन्होंने हमें ब्रीदिंग स्पेस दिए, ठीक है। अब हम उनको टैक्स, अब ये जो जिस 7.5 अरब रुपया डॉलर जो आप कह रहे हैं, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ है, ये अब फ्लाइट नहीं होंगे, ये इस मुल्क में रहेंगे, ठीक है, आज इस मुल्क में रहेंगे और टैक्सेबल, ये आहिस्ता आहिस्ता टैक्स। आप भी बहुत अच्छे से सिस्टम का हिस्सा है और तमाम चीजें जानते हैं सर। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हार्श रिफॉर्म्स आती हैं तो जो इंडस्ट्री के जो स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं या जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट को या दूसरे इदारों को, वो हमेशा कहते हैं कि जी यहाँ से मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, अगर आपने ये किया, अगर आपने वो किया तो हमारी जो बात है वो मान लें। तो इस दफा एक दफा फिर रियल स्टेट एसोसिएशन, तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स इसमें कामयाब हुए हैं हुकूमत को डराने में, इसी वजह से आपकी उन्होंने बात मान ली। ये देखिए आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है कि गवर्नमेंट को डराने में, गवर्नमेंट को रियलाइज कराने में, देखिए इसकी इंटरप्रिटेशन, खबरें आई हैं कि यहां से हम पैसा रियलाइज, देखिए गवर्नमेंट को रियलाइज, रियल स्टेट ब्रोकर का अपना पैसा नहीं है, इस इन्वेस्टर्स का पैसा है, क्लाइंट का पैसा है, वो क्लाइंट के माइंड को समझता है। यहाँ के जो हम फॉरेन कंट्री से हम क्लाइंट को पाकिस्तान इंट्रैक्ट करके लाए कि इस प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लगाएं, उसकी एक रीज़न है, आप जैसे कह रहे हैं कि टैक्स में छूट भी थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट का इग्नोर्ड सेक्टर था ये, अब ये इंडस्ट्री होगी, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री होगी, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ख्याल है कि टैक्सेस लेने चाहिए। उन्होंने ये पैसा देखें ये इसी मुल्क में रहे, इसी मुल्क की खुशहाली के लिए रहे और इसी मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल हो। हम नहीं ये कि आप ये आहिस्ता 3-4 स्लैबों में हम मार्केट वैल्यू के बराबर पहुंच जाए। सर देखें एक्चुअल नुकता ये, मैं प्रॉपर्टी मार्केट के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, लोगों का बिजनेस होना चाहिए और प्रॉपर आईन और कानून के तहत जिसने जो इनकम कमाई है वो उसे कमानी चाहिए, इसमें और उसको रोकना या उसमें रुकावट डालना अगर हुकूमत की तरफ से या किसी और की तरफ से वो भी मुनासिब नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सबको एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत एक जो फ्री ग्राउंड है उसको वहां पे चौके छक्के मारने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नो बॉल्स पे तो छक्के ना मारे ना, अगर ईमानदाराना टैक्स अगर बायर या सेलर दे सकता है मार्केट वैल्यू पे वो क्यों ना हो, क्योंकि सर आज आप देखें मुल्क के अंदर जो मेजर जो थ्रस्ट है तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस का, आज तक 70-75% इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो गरीब आवाम अदा करती है, उसका सारा बोझ जो है वो सैलरीड क्लास पर आता है। एक लीटर जो पेट्रोल जो पेट्रोल पंप से डलवाता है वो उस पर पेट्रोलियम लेवी भी देता है, वो सेल्स टैक्स भी देता है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको हिट नहीं पड़ती। What I'm saying is कि अगर पाकिस्तान का हर सेक्टर डॉक्यूमेंटेड होगा और उस पर जो है वो थोड़ी हार्श रिफॉर्म्स आएंगी क्योंकि माजी में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए इससे फर्क, हम मैं कह रहा हूँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खुद चाहते हैं कि इसको ग्रेजुअली और ईयरली बेसिस भी किया जाता, तो गवर्नमेंट ने हमारी ये बात रखी और ये मानी हमारी बात कि वाकई ये ओवर द नाइट नहीं हो सकता था। देखिए किसी को भी आप कहीं भी कानून, आप ओवर दी नाइट कहीं भी होगा, कोई भी हमारे बाहर के जैसे सेक्टर हैं वर्ल्ड वाइड, वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस वहाँ क्यों बढ़ाते रहे, क्यों दुबई हमारी इन्वेस्टमेंट जाती रही, क्यों मलेशिया जाती रही, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव ही कोई नहीं थे। जब यहाँ पे 2 साल पहले हालात बेहतर हुए तो पाकिस्तान में लोगों ने कराची में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, अब कहते हैं जी इंडस्ट्री में पैसा क्यों नहीं जा रहा, इधर क्यों नहीं गया, उसकी रीज़न थी कराची के हालात।
अब जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं दोबारा नई इंडस्ट्री लगेगी, ये भी तो कोई फ्री ट्रेड जोन दें, ये भी कोई इंडस्ट्रियल जोन बनाएं। ठीक है, तो आपसे टुवर्ड्स दी एंड, अब ये जो एक साल का होल्डिंग पीरियड है या दो साल का होल्डिंग पीरियड, कैपिटल गेन टैक्स आप देंगे तीन साल के बाद, तीन साल के बाद, इससे फर्क क्या पड़ेगा ओवरऑल रियल स्टेट के डायनामिक्स? फर्क ये पड़ेगा कि हम लोग जो जिसको आप अनडिक्लेयर्ड अमाउंट कहते हैं वो इस सर्किट में आ जाएगी, वो हमारी जीडीपी की ग्रोथ में आ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगा, हमारे जो जो 4,000 अरब 5,000 अरब उनको इन्होंने ग्रेजुअली स्टेप वाइज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना था, उसका मैकेनिज्म एक तय हो गया, हम टैक्स देंगे और हम इनकी इनके इसको एक्सेप्ट किया हम लोगों ने, गो के हमारे लिए ये बहुत हैवी चीज़ थी, बर्दाश्त से बाहर थी, हमारे कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा गई एकदम ओवर द नाइट, ये अगर पहले मुशावरत होती तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ग्रेजुअली हम नहीं, तो ये कैपिटल गेन टैक्स प्रॉपर्टी डीलर्स पर तो नहीं है, ये तो बायर और सेलर, बिल्कुल बायर सेलर, तो आपको क्या फर्क पड़ता है सर? मेरा तो यही बुनियादी होता है, आपने तो दोनों तरफ से कमीशन लेते ही लेते हैं कि लगता उन्हीं पे ही है, लेकिन वो उन पे ओवर द नाइट तो नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट हम लाए ही थे यहाँ पे, जो कानून था पहले उसी पे हम लाए, अब इन्होंने ओवर द नाइट चेंज किया, वो इन्वेस्टर रुक गया, उन्होंने कहा यार हम यहाँ से फ्लाई करें, आपने देखा स्टॉक में चले गए, कुछ गोल्ड की मार्केट में चले गए, वो फ्लाइट तो शुरू हो गई, कुछ दुबई मार्केट बेहतर क्यों हुई पिछले एक महीने में, दुबई मार्केट तो में यहाँ क्लिफ्टन डिफेंस से कोई फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ? बिल्कुल हुआ, कितना आपके अंदाजा है? मेरे हिसाब से देखें कम से कम यहाँ से तो 25-30 अरब रुपया यहाँ से विद इन 30 डेज यहाँ से 25-30 अरब रुपया कहाँ गया सर? देखिए वो दुबई गया और आपको पता है हवाले का रेट बढ़ गया और स्टॉक एक्सचेंज में देखें, आप देखें वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, हम ये नहीं कि हम स्टॉक के खिलाफ हैं या किसी, लेकिन एक एक स्ट्रक्चर को एक एक कारोबार को बिल्कुल तबाह तो नहीं करना चाहिए ना, तो ये हम गवर्नमेंट के इस पे हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने पॉजिटिव है। ठीक है, तो आम बंदे के हवाले से क्या कहते हैं, 40 लाख का जो थ्रेशोल्ड लेवल रखा है, बिल्कुल 40 लाख से नीचे जो भी बाय सेल करता है उसका कोई टैक्स नहीं है, तो आपको लगता नहीं 40 लाख से थोड़ा ये थ्रेशोल्ड लेवल ऊपर होना चाहिए था ताकि आम बंदे को सपोर्ट? इसको हमने 5 मिलियन करना चाहिए था एटलीस्ट, तो ताकि जो 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो 25 लाख रुपए का 30 लाख रुपए का वो इसी से निकल जाए, 45 लाख तक के जो यहाँ पे मैक्सिमम जो जितने अपार्टमेंट्स है ना डिफेंस में, इस 45 लाख के कम के 44 लाख 45, अगर इसको 5 मिलियन तक कर दिया जाता तो ये जो जो निचले तबके उसके लिए ज्यादा बेहतर था। ठीक है, और एक और मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया, इन्होंने शोधा और उनका ख्याल रखा, ये स्पेशल इनके लिए थैंक्स। ठीक है, ज़ुबैर बेग साहब, वाइस प्रेसिडेंट डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल स्टेट एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे ज़ुबैर बेग साहब, उनका नुक्ता नजर आपने जाना, इंपॉर्टेंट इशू था और इस हवाले से बेहतर तौर पर रिफॉर्म्स, टाइमली रिफॉर्म्स, फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान की इकॉनमी को मद्देनजर रखते हुए जिसमें 50% अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसके हवाले से सिर्फ रियल स्टेट ही नहीं बाकी तमाम जो एरियाज़ है, ज़रात है, स्टॉक मार्केट है जहाँ बेनामी अकाउंट्स ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन होती है, सो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि रियल स्टेट पे आपने फोकस किया, पैसा शिफ्ट हो गया स्टॉक में या दूसरी तमाम ट्रेडिंग एरियाज़ में जहाँ पैसा ज़्यादा बनता है, तो ये भी इशू इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसेंसस हुआ एंड दिस इज़ हाउ यू मूव फॉरवर्ड। अब लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि बेग साहब ने कहा कि पिछले तकरीबन 30 दिनों में कराची के अंदर 20 से 25 अरब रुपया शिफ्ट हुआ है दुबई के अंदर, वहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या दूसरे एरियाज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, सो एक रूल जो है वो तमाम एरियाज़ पर, तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, टैक्स हमें चाहिए, टैक्स मिलेगा बेहतर तौर पर तभी सिस्टम हमारा आगे चल पाएगा। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।